नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। ये डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर परिषद में खुला अंत्योदय सरल केंद्र, बहुत सी सुविधाएं हुई ऑनलाइन। काफी दिनों की कड़ाके की ठंड के बाद दिए सूर्य देवता ने दर्शन। सीएए के समर्थन में भारत विकास परिषद द्वारा शहर भर में निकाली गई जन समर्थन यात्रा। भिवानी में पहली बार ग्लोबल न्यूरो ट्रामा एंड सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में दूरबीन द्वारा किया गया रीढ़ की हड्डी का सफल इलाज। सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती पर शहर में निकाला गया सांप्रदायिक सद्भावना से मार्च। और अब खबरें विस्तार से। अनेक प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए लोगों की परेशानी को समझते हुए नगर परिषद में अंत्योदय सरल केंद्र खोला गया है। अब नगर व आसपास के लोगों को इन प्रमाण पत्रों के लिए कोर्ट या किसी अन्य दुकानों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। नगर परिषद में लोगों की परेशानियों को देखते हुए बहुत सी सुविधाओं के लिए अंत्योदय सरल केंद्र की शुरुआत की गई। इस केंद्र की शुरुआत से लोगों को अब अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए कोर्ट या किसी दुकान के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं नगर परिषद ईओ दीपक गुप्ता ने बताया कि आमजन की परेशानियों को देखते हुए तथा लोगों की सुविधाएं प्रदान करने के लिए यहां इस अंत्योदय सरल केंद्र को चालू किया गया है। इसके द्वारा लोग अपने ज़रूरी दस्तावेजों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तथा अब उन्हें अपने जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड के लिए इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे बर्थ डेथ की सर्विसेज हैं, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए है, बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराने के लिए है, वो सारी सर्विसेज हमारे यहाँ सीएफसी है। हालांकि अभी पूरे तरीके से बना नहीं है एज पर गवर्नमेंट जो रूल रेगुलेशन है, लेकिन फिर भी एक बार हमने टेम्परेरी शुरू कर दिया है नगर परिषद के दफ्तर में। तो वहाँ अगर पब्लिक अपनी जो है सर्विसेज है वो ऑनलाइन करवा सकती है, उनको सेक्ट्रेट में या किसी दूसरे सरल केंद्र में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लगभग मेन तो हमारी बर्थ डेथ की सर्विस है, मैरिज की है, बिल्डिंग की है, मेन सर्विसेज तो यही हैं जो ऑनलाइन है आज के टाइम। पिछले कुछ दिनों से लगातार बदलते मौसम और बढ़ती हुई ठंड से आज शहर वासियों को राहत मिली। गुरुवार सुबह ही सूर्य देव ने दर्शन दिए और अच्छी खासी धूप देखने को भी मिली। हालांकि पूरा दिन ठंडी हवा भी चलती रही, लेकिन जनजीवन सामान्य ही नजर आया। पिछले काफी दिनों से बढ़ रही कड़ाके की ठंड व खराब मौसम के चलते मानव जीवन काफी अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा था, किंतु वीरवार को निकली धूप ने लोगों को काफी राहत पहुंचाई है। काफी दिनों बाद निकली धूप में जनजीवन फिर से पार्कों तथा बाजारों में निकलते हुए धूप का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। वहीं बुजुर्ग व बच्चे पार्क में घूमते हुए व खेलते हुए दिखाई दिए। वहीं लोगों की माने तो काफी दिनों बाद निकली धूप के कारण आज वे अपने घरों से बाहर निकले तथा धूप का भरपूर आनंद उठाया। कहेंगे जनाब, डेढ़ दो महीने से जो हमें सर्दी की मार जो झेलनी पड़ रही थी, हम घर से नहीं निकल रहे थे और काम धंधा हमारा ठप था, इसलिए हम यहाँ आज पार्क में घूमने आए हैं। धूप आज निकली है तो हम बड़े उत्साह के साथ, शरीर भी और ये हमारा ये कहता है भी आज निकलो, बाजार में निकलो, कुछ काम धंधे करो, इसलिए हम पार्क में घूमने आए हैं। और धूप से हमें बड़ा आनंद मिलता है और शरीर की हमें जो सर्दी की मार थी उससे हम छुटकारा पाएंगे। प्रजापति नाम है मेरा और आज काफ़ी दिनों में धूप निकली है। ठंड के कारण डेढ़ दो महीने से काफ़ी परेशानी आ रही थी, शरीर ठिठुर रहा था और कहीं पर भी जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन आज इतनी खुश हो गया और आज हम पार्क में घूमने आए हैं और हमारे अंदर हम चाहते हैं कि बाजार में घूमें, काम धंधा करें और लोगों से मिले, बातचीत करें। आज धूप के कारण बहुत ही ज़्यादा हमारे अंदर खुशी का माहौल है। गुरुवार को भारत विकास परिषद द्वारा सीएए के समर्थन में जन समर्थन यात्रा निकाली गई। आमजन को सीएए के फायदे बताते हुए ये यात्रा लघु सचिवालय पहुंची और अपना ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपा। भिवानी के आज भारत विकास परिषद की शाखा द्वारा सीएए के समर्थन में जन समर्थन यात्रा शाखा के अध्यक्ष मुकेश रहेजा की अगुवाई में भिवानी के हासी गेट से शुरू की गई तथा हासी गेट से पुराना बस स्टैंड होते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंची। वहीं यात्रा की अगुवाई कर रहे मुकेश रहेजा ने कहा कि वे सीएए के समर्थन में हैं, किंतु कुछ लोग जनता को बरगलाने का काम कर उन्हें सीएए के विरुद्ध भड़का रहे हैं। सीएए से किसी को भी कोई नुकसान नहीं है, केवल वे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं जिसके पास नागरिक
संशोधन बिल की पूरी तरह से जानकारी उपलब्ध नहीं है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस बात को लेकर उन्होंने आज भिवानी के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सीएए के समर्थन पे भारतीय विकास परिषद और लघु उद्योग भारती ने दोनों ने मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम किया है जो भारत सरकार ने किए हैं और जो सरकार ने हमारे हिंदुओं के लिए एक ऐसा पहली बार एक्ट लागू किया है जिसमें ये एक्ट ना तो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि सबके लिए फायदेमंद है। हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं और जो इसका विरोध करते हैं उसको हम नकारते हैं। ज्ञापन भी सौंपे हैं। हाँ, हम इस सीए के समर्थन में डीसी को मुख्यमंत्री के लिए और राष्ट्रपति के दोनों के डीसी के माध्यम से दोनों को ही हम ज्ञापन पत्र सौंपेंगे। करीबन 6-7 महीने से डिस्क की समस्या से परेशान एक मरीज को उसकी बीमारी से तब राहत मिली जब नगर के ही एक चिकित्सक द्वारा उसे दूरबीन द्वारा इलाज दिया गया। उक्त मरीज कई बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाकर भी बीमारी से छुटकारा नहीं पा सका था। आइए देखें क्या है पूरा मामला। बुधवार को शहर के ग्लोबल न्यूरोट्रामा एंड सुपर स्पेशलिस्ट द्वारा मरीज श्रवण कुमार, जो कि काफी लंबे समय से रीढ़ की हड्डी की बीमारी से ग्रस्त था, उसका विनायक रस्तोगी द्वारा सफल इलाज किया गया। वहीं डॉक्टर विनायक रस्तोगी ने बताया कि श्रवण कुमार की इस बीमारी का कहीं इलाज नहीं हुआ, केवल दूरबीन द्वारा इसकी रीढ़ की हड्डी का सफल इलाज किया गया है। नाम सर्वम प्रकाश है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मेरे करीब 8 महीनों से दोनों पैरों में दर्द रहता था जी। मैं काफ़ी 8 महीनों से देसी दूसियाँ गई इनका आने के बगैर मैं इस हॉस्पिटल में आया ग्लोब में। आने के बाद डॉक्टर साहब ने मेरा ये ऑपरेशन कराया जी और ऑपरेशन के 8 घंटा बाद मेरे को डॉक्टर ने खड़ा कराया और चलाया हंडाया फिराया और फिर मेरे उसके बाद भी कोई दर्द दर्द कोई नहीं, मैं बिल्कुल सही। मेरा नाम विनायक रस्तोगी है, मैं न्यूरोसर्जन और ग्लोबल हॉस्पिटल में काम करते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया था ओम प्रकाश, जिसकी उम्र लगभग 45-50 साल होगी। वो बहुत परेशान था, उसके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था जो कि पैर के रास्ते होता हुआ एड़ी तक जाता था और उस पर चला भी नहीं जाता था। ये बड़ी कॉमन बीमारी है जिसे हम डिस्क की बीमारी भी बोलते हैं, इसमें क्या चीज़ होती है कि मरीज को बहुत ज़्यादा पेन होता है और इत 2-3 वजह से होती है कि मरीज गिर गया हो, कोई वजन उठा लिया हो या कोई झटका लग गया हो, और गाँव में तो बहुत कॉमन है। लेकिन कई लोगों में इसमें क्या चीज़ आती है कि ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ती है लेकिन लोग बहुत कतराते हैं। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कोई लोग नहीं कराता, वो कहते हैं कि सक्सेस कभी नहीं होगा। लेकिन हमने एक नई खोज निकाली है जिससे बिना चीरे कांटे के हमने उसका दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया। मात्र 1 सेंटीमीटर के कट से ही हमने उसकी जो डिस्क थी उसको ठीक करके बाहर निकाल दिया और मरीज का हमने जैसे रात को ऑपरेशन किया तो सुबह बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन हो गया। उसमें मात्र एक भी टाका नहीं आया और मरीज एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त और चलने फिरने लायक हो गया। लगभग मान के चलो कि क्योंकि ऐसे मरीज बहुत लंबे समय से परेशान होते हैं लेकिन जब दर्द एकदम बढ़ता है, बीमारी एकदम बढ़ती है तो फिर वो रुक नहीं सकते, वो उसी वक्त ऑपरेशन के लिए आते हैं। वैसे कहा जाए तो वो कम से कम 6-7 महीने से परेशान था लेकिन उसका 4 दिन पहले एक और झटका लगने के कारण इतना तेज दर्द हो गया था कि वो हमारे पास एकदम आ गया था, हमने उसको ऑपरेट किया। दिल्ली और गुड़गांव में ये इलाज है बट ये बहुत ज़्यादा महंगा इलाज है और कुछ ही लोग ऐसा करते हैं और बड़े हॉस्पिटलों में ये अवेलेबल है। जैसे हिसार और रोहतक में कोई भी नहीं करता रीढ़ की हड्डी का दूरबीन से, कोई नहीं करता। हाँ, छोटे चीरे से जरूर करते हैं बट दूरबीन से कोई नहीं करता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती के अवसर पर शहर में सांप्रदायिक सद्भावना मार्च निकाला गया। विभिन्न संगठनों द्वारा निकाला गया ये मार्च नेहरू पार्क पहुंचकर जनसभा में बदल गया और वहां सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज दिनांक 23 जनवरी 2020 को नेताजी सुभाष बोस की 123वीं जयंती के अवसर पर युवा संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन, महिला संगठन ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन, छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा के संयुक्त बैनर तले शहर में सांप्रदायिक सद्भावना मार्च निकाला गया। यह मार्च नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कथनों के पोस्टरों से सुसज्जित था। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए रामफल ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन संघर्षों से सीखने को बहुत कुछ है। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को बुलंद करने के साथ साथ सांप्रदायिकता का विरोध किया। वे धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानते थे
नेताजी सुभाष अपने जीवन संघर्ष के माध्यम से देश के छात्रों व नौजवानों को हर अन्याय का विरोध करने की सीख दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार से भी बढ़कर पूंजीपति वर्ग को ताबेदारी करते हुए उन्हीं जन विरोधी नीतियों को तेजी से लागू कर रही है। नतीजन आज़ादी के 72 साल बाद भी देश के मेहनतकश लोग घोर गरीबी, भुखमरी, तंगहाली, कर्ज, शोषण जुल्म में पिस रहे हैं। वहीं उन्होंने लोगों से सुभाष बोस द्वारा दिखाए रास्ते पर चलने, हर तरह के शोषण जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने और उनके अधूरे सपने को साकार करने का आह्वान किया और कहा कि यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हम ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती मना रहे हैं और इसमें हमारे जन संगठन AIMSS और AIDYO, AIDSO और भवन निर्माण मजदूर कारीगर यूनियन और सभी हमारे जन संगठन आज इसको नेताजी की 123वीं जयंती को मना रहे हैं और हमने सद्भावना मार्च भी निकाला। ये जो देश का अंदर माहौल ख़राब हो रहा है, सांप्रदायिक जो दंगे लगा रखे हैं बीजेपी सरकार ने, देश को जो सरकार बांटने का काम भी कर रही है, देश में ये जो काले कानून थोप रही है सरकार, जैसे CAA, NRC, इसलिए जो सरकार जो कह के न जिन मुद्दों को लेकर के राज में आई थी, कहा था हम 15 लाख रुपये हर आदमी को देंगे, भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे, काला धन वापिस ला के न लोगों को बांटेंगे, देश को झूठ बोल के जो ये राज में आए थे वो उसमें ये सरकार फैल हो चुकी। सांप्रदायिक सद्भावना दिवस मनाया है और इसी के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कथनों की प्रदर्शनी शहर शहर में पूरे देश में हमने लगाई है, उनके विचारों को फैलाने का काम किया है। आज जो दूषित माहौल हुकूमत ने, देश की सरकार ने पैदा किया है, समाज में जो फूट डालने का काम सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हमारा संदेश है देश की जनता के नाम की एकता बनाए रखें। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर परिषद में खुला अंत्योदय सरल केंद्र, बहुत सी सुविधाएं हुई ऑनलाइन। काफी दिनों की कड़ाके की ठंड के बाद दिए सूर्य देवता ने दर्शन। CAA के समर्थन में भारत विकास परिषद द्वारा शहर भर में निकाली गई जन समर्थन यात्रा। भिवानी में पहली बार ग्लोबल न्यूरो ट्रामा एंड सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में दूरबीन द्वारा किया गया रीढ़ की हड्डी का सफल इलाज। सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती पर शहर में निकाला गया सांप्रदायिक सद्भावना से मार्च। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।